अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब की फैमिली, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पहले तो तहे दिल से आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और कोई गम परेशानी आप तक ना आए, आमीन सुमा आमीन। तो आप लोग भी आमीन कह दीजिएगा। तो जी माशाल्लाह से मैंने बनाया है आज चिकन साग, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी आपको करीब से भी दिखाती हूँ। भाई हम सब ने तो जल्दी खा लिया खाना, क्योंकि चिकन साग बना था तो सबका ही फेवरेट होता है, बच्चे भी खाते हैं बड़े सब। तो ये आए थे लेट और ये अपनी रोटी लेते आए हैं, तो मैंने कहा बस अब आज लेट हो गए हैं, हमने जल्दी खा लिया है। और ये ब्रेड भी लेकर आए हैं बच्चों के लिए सुबह, क्योंकि बच्चे स्लाइस में मैं उनके मक्खन लगा देती हूँ या फिर उनको अंडा बना देती हूँ, तो ऐसे जाने नहीं देती बच्चों को मैं, तो बस इनको खाना देती हूँ। मैंने तो नन के साथ खा लिया, ज़ाहिर बात है मेहमान आए तो उनके साथ खाना पड़ता है टाइम से, और ये लेट आते हैं। बस खाना गर्म करते हैं और इनको देते हैं। और आज वीडियो बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी होने वाली है, पूरी देखनी, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। और थंबनेल आप देख के आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ। तो बस तैयारियाँ आज स्टार्ट हो गई है मेरी, और बस खाना गर्म करते हैं, देते हैं, इससे पहले कि अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो जाए कि वीडियो बना रही है खाना कब देंगे। तो बस छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिल सके हमारी। तो जाती हूँ कमरे में और खाना देती हूँ, और फिर उसके बाद, हाँ उसके बाद मैंने जाना है बाज़ार, बच्चों के लिए चीज़ लेने जानी है। बच्चों से पूछूंगी क्या चीज़ लेकर आऊँ, तो उनके मुताबिक उन अभिया के लिए और अपने तीनों बच्चों के लिए एक जैसी मैं चीज़ लेकर आती हूँ, ताकि कोई नाराज़ ना हो। तो बस खाना दे के फिर हम दोनों मियाँ बीवी बाज़ार जाते हैं। जी माशाल्लाह, मैंने क्या आपको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ, ये देखें जी माशाल्लाह, बहुत ही मज़े का बना था, सब ने खा लिया है, बस ये रह गए थे, इनको निकाल के देते हैं खाना। और बहुत ही मैंने इसको भुना भुना बनाया था बिल्कुल, आप लोग बताइएगा आप भी ऐसे ही बनाते हैं। मैं इसको ग्राइंड नहीं करती, मैं इसको कूट लेती हूँ साग को, और इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है और ज़्यादा स्पाइसेस भी इसमें नहीं जाते, बहुत कम जाते हैं। तो बस डालते हैं और कमरे में ले कर जाती हूँ। ये है जी बच्चों की चीज़, और चीज़ सबकी इक्वल आती है, अभिया की भी और इन तीनों की भी। ये लो अभिया, पाँव समीला पाँव उठाओ, बुरी बात गुनाह मिलता है। और अभिया ये आप कौन सा लोगे इसमें से? ये लो, चलो निकाल लो, ये ड्रीम, चलो ले लिया आप। समीला सैफुल्ला आप भी चीज़ ले लो, और सैफुल्ला का बना हुआ है मुँह, इनका डेली किसी ना किसी बात पे ना मुँह बना रहता है, जो मर्जी इनको दिला दो। चलो आप भी ले लो, समीउल्ला सैफुल्ला अब्दुल्ला सही है अंबिया चीज़ आपकी, ठीक है। चलो जी बाकी ये है, आपने क्या लेने? चलो ये लो वेफर ले लो आप, ये वाला पकड़ो। और सलाम किया तीनों ने, वालेकुम अस्सलाम। समीउल्ला ले लो चीज़ अपनी, आ जाओ शाबाश। तो जी बस खाना भी खा लिया रात का, और बच्चों ने भी चीज़ खा ली, तो मैंने कहा बच्चे चले गए हैं दूसरे कमरे में, तो सुकून से हम दोनों बैठ गए। तो बस जो कपड़े मुझे समझ आए तो कपड़े मैं निकाल के ले आई हूँ, तो मैंने कहा इनसे पूछती हूँ, ये सही मशवरा देंगी कि कौन से पहनने कौन से नहीं। वैसे तो दो और सूट है वो मुझे नहीं मिल रहे, अलमारी में ही हैं, लेकिन अभी बस जल्दबाजी में जो मुझे मिलता गया वो मैं लेकर आई हूँ। तो अब मुझे नन बताएंगी कि मैं कौन सा सूट पहनूँ कौन से नहीं, ये मुझे बताएंगी, आइडिया देंगी। ज़ाहिर बात है दो बंदे जब बैठते मिल के तो ज़्यादा ही अच्छा पता चलता है कि कौन सा पहनना चाहिए कौन सा नहीं। तो आप भी वीडियो में देखें कि मुझे क्या आइडिया दे रही है। अच्छा ये तीनों सूट इतने प्यारे हैं, कौन सा बताऊं? इस पे देखो शेडो वर्क का कितना प्यारा काम है। हाँ ये देखो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये ना मुझे अम्मी ने दिया था ना, मेरी अम्मी है ना उन्होंने दिया था। तो ये मैंने अभी तो खाली अलमारी से निकाले, आप कहेंगे इतने गुजमुज, तो ये अलमारी में ना मैं फोल्ड करके रख देती हूँ, कहीं जाती हूँ जब भी पहनती हूँ, ये देखेंगी बहुत प्यारा लग रहा। ये लैस देखें, ये लैस मैंने लगवाई थी, और ये इसका गला देखें कितने खूबसूरत, ये मोती लगे हुए हैं, और ये शेडो वर्क का ना ये मुल्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर है, कढ़ाइयाँ ना मशहूर है यहाँ की, हैंडवर्क जो है, हैंडवर्क है ये मुल्तान में, अब तो हर शहर में मिल रही है, पहले तो अभी थोड़ा सा दूर हो, पहले तो हर शहर में ना मतलब हर शहर सॉरी इससे मुल्तान में मिलती थी, अब ये कहीं जाने पिशावर इस्लामाबाद पिंडी हर जगह ये बहुत महंगी है, लेकिन ना बहुत महंगे हैं ऐसे कपड़े ना, फर्क हो जाता है ना यहाँ से जाती है, जाहिर बात है मेन जो गढ़ है ना वो मुल्तान ही है। और एक शर्ट ये है, हाँ ये प्यारी लग रही है, ये भी खूबसूरत है, ये देखें जी इस पे ये लगा हुआ पैच लगी सितारों की ना, जब ये इस्तरी होगी तो और अच्छी हो जाएगी, ये देखें जी बस एक ये सूट है, और साथ ये रेड दुपट्टा है, और इसके साथ ही कढ़ाई वाला दुपट्टा है, इसके चारों तरफ ना कढ़ाई हुई, अभी आप उधर ही खड़ी रहो ना फिर पता चल जाएगा, बस मैं खोल करके दिखा रही हूँ, ये कढ़ाई हुई चारों तरफ ना, और बूटियाँ कमीज पे सॉरी दुपट्टे पे ना, ये इस तरह का सूट है।
और ये इसके चारों तरफ ना तिल्ले का काम हुआ है शर्ट पे ना, और इसकी कमीज देखे, ये देखे। तीनों सूट इतने प्यारे हैं, कौन सा मशवरा दूं मैं तो कह रही हूँ कि गर्मी बहुत ज्यादा है ना। हाँ। तो ये भी फुल कढ़ाई है। हाँ। और इसमें भी फुल कढ़ाई है। हाँ। तो बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी दोपहर का टाइम है ना, ये जरा सॉफ्ट है और इसमें गर्मी नहीं लगेगी, बस ये इसमें फायदा रहेगा। इसके गले पे कढ़ाई हुई है, देखो लाइट है ना, प्यारा है। हाँ, हल्का फुल्का है, जरा गर्मी दोपहर का टाइम है और इतनी मतलब टाइम उन्होंने ऐसा रखा हुआ है। तो बस ये कि देखे दरवाजे में कौन है, आप चेक करें, तक मैं व्यूअर से बात करें। वालेकुम अस्सलाम, इधर भैया इधर ही दिखो आप, समय लगता है बैठो, मैं आती हूँ, उधर ही बैठो सामने कमरे में बैठो, मैं आ रही हूँ। हो गया। तो बस ये कि अभी बच्चे सामने बैठे थे तो सलाम करे थे, मैंने कहा वालेकुम सलाम, वो आए हैं जिठानी का बेटा तो सलाम करता है माशाल्लाह, और साथ समीउल्लाह भी सलाम कर रहे थे उनके साथ, तो मैंने उनका जवाब दिया। मैंने कहा चलो वीडियो वहाँ ऑफ करते हैं, दोबारा से स्टार्ट किए, बच्चों वाला घर है आप लोगों के सामने, कभी कोई बच्चा आ रहा है कभी कोई आ रहा है, तो बस ज़रा वीडियो कट करनी पड़ती है, फिर वो काम करके दोबारा से वीडियो स्टार्ट करनी पड़ती है। अभी तो फिलहाल ही मैंने कपड़े निकाले हैं और डिसाइड भी कर रही हूँ कि कौन सा पहनूं, लेकिन अब दो और सूट हैं वो मुझे मिल नहीं रहे, तो दुआ करें कि मुझे मिल जाए, तो हो सकता है कि मैं उनमें से पहन लूँ। बस ये तय करती हूँ और इनको पानी लगा के इनको अच्छे तरीके से प्रेस करके जो दिल करेगा उस टाइम पहन लूँगी। हस्बैंड भी अभी थोड़ी देर आएंगे, अभी निकले हैं बाहर जरा काम से, हमने कुछ मंगाया है उनसे, तो मैंने क्या जब वो आएंगे तो उनसे ही मशवरा लूंगी, नन से भी ले लिया है। ठीक है, अभी दो सूट और है ना। अच्छा अच्छा, वो भी मैं देखती हूँ मारी से के ना मुझे मिल जाए। तो अभी तो तीनों ही, मुझे तो तीनों ही प्यारे लग रहे हैं। हाँ, बस ये कि ईद पे बनवाए थे ना, ये ईद पे बनवाए थे, ईद पे ऐसे बन सकते हैं, आम दिनों में तो बस सिंपल सिंपल लॉन के अच्छे लगते हैं। अच्छा, अभी मेरी आदत ऐसी है ना कि मैं जो कपड़े ऐसे होते हैं ना उनको बड़े संभाल संभाल के बड़े लपेट लपेट के ना ऐसे मौकों पे काम आ जाते हैं, काम आते हैं। बड़ा दिल मेरा दुखता है क्योंकि आज तक आप स्पीकर से हटाओ अभी, तो क्योंकि स्पीकर पे अभी ने आदत कर दिया, तो मैंने कहा हटाओ कि हमारी आवाज इतनी स्लो कहीं आए आपको समझ ही ना आए हमारी गपशप। तो ना बस अब ये है कि निकाल तो लिए हैं और आप यकीन जाने इतना दिल खफा होता है, इतनी महंगाई है ना कि आजकल बच्चों की पढ़ाइयाँ माशाल्लाह और खर्चे इतने कि हमारा इस तरह रुझान ही नहीं जाता। लेकिन ये मैंने छोटी ईद पे कपड़े बनवाए थे, मैं आपको साफ बताऊँ छोटी ईद के कपड़े हैं और इसमें से एक बड़ी ईद का सूट है वो वाला, तो मिक्स कपड़े मैंने संभाल के कढ़ाइयों वाले लपेट के रखे थे। कहीं जाती हूँ कहीं भी आना जाना होता है, बस निकालती हूँ इनको इसी करके दोबारा पहन के और धो के और दोबारा सनबारी में लगा देती हूँ। आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, जाहिर बात है हर कोई ऐसे ही करता है के बच्चों के खर्चे माशाल्लाह इतने, हम हमारी चीज़ों की तरफ तवज्जो ही नहीं जाती और जो बनाते भी हैं वो दोबारा से इसी करके तय करके लगा देते हैं अलमारियों में। बस यही होता है, इस तरीके से चलना पड़ता है। तो मैंने कहा चले व्यूअर्स को भी दिखा देते हैं अपनी तैयारियां, बस अभी वो भी मेरी तैयारी है, बस अभी फ्रेश होते हैं, अपना नहाना धोना जो भी है वो कंप्लीट करके फिर तैयारी श्यारी करते हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो बस जो कल की वीडियो है और मजीद अच्छी आने वाली है, वो जब मैं उनके घर जाऊंगी तो वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी वीडियो। और माशाल्लाह, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल करें सब्सक्राइब लाइक शेयर, ताकि और अच्छी अच्छी आपको वीडियोज मेरी मिल सके। और आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज कमेंट्स भी क्या करें और अपना लाइक भी क्या करें और सब्सक्राइब भी क्या करें। तो बस कल की वीडियो इससे बहुत अच्छी आने वाली है बहुत, क्योंकि कल मैं जब जाऊंगी तो वहाँ की पूरी आपको वीडियो दिखाऊंगी। इजाज़त चाहती हूँ, अपना अपने प्यार का ख्याल रखें, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।